उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस अपने हर दांव को आजमा रही है और इसी के तहत उसने प्रदेश इकाई में पिछड़ा कार्ड खेलते हुए अभिनेता से नेता बने राज बब्बर को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन तलाश रही कांग्रेस को अब फिल्म अभिनेता और राज्यसभा सांसद राज बब्बर का सहारा है। कांग्रेस ने प्रदेश इकाई का अध्यक्ष राज बब्बर को चुन लिया है। अब तक प्रदेश में पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे निर्मल खत्री को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही चार वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जिनमें बसपा के नेता रह चुके राजा रामपाल, वाराणसी से लोकसभा के सांसद रहे राजेश मिश्रा, दलित नेता भगवती प्रसाद चौधरी और घृणा फैलाने वाले बयान के लिए चर्चित रहे अल्पसंख्यक नेता इमरान मसूद शामिल हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हमेशा से ही मांग रही है कि प्रियंका गांधी पूरे प्रदेश में पार्टी के प्रचार में हिस्सा लें, लेकिन इस बारे में कोई भी निर्णय चुनाव की घोषणा के बाद लिया जाएगा। फिलहाल प्रियंका अभी तक सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में ही चुनाव प्रचार करती हैं। यूपी के चुनाव जाति आधारित होते हैं और जिसको देखते हुए ही कांग्रेस ने राज बब्बर को पिछड़ों का चेहरा बनाया है, लेकिन इन सबके बीच उसने कई ब्राह्मण नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस में वैसे भी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की भारी कमी हो चली है, ऐसे में राज बब्बर के लिए कठिन और चुनौतीपूर्ण दौर होगा। कांग्रेस राज बब्बर के मुलायम परिवार के विरोधी होने की छवि को भी भुनाना चाहती है। राज बब्बर सुनार जाति से ताल्लुक रखते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद सीट से राज ने सपा मुखिया की बहू डिंपल यादव को हराया था। इसके बाद मुलायम सिंह यादव के परिवार से राज बब्बर का 36 का आंकड़ा हो गया। कांग्रेस भी महसूस करती है कि राज बब्बर के रूप में उसे एक ऐसा फायर ब्रांड नेता मिला है जो सपा के गड़का है और उसके तर्कश के तीरों का उन्हें अंदाजा भी है। इससे एक बात और साफ हो गई कि कांग्रेस और सपा में अब किसी तरह के गठबंधन की संभावना भी नहीं है। यूपी कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों में शुमार रहे राजेश मिश्र, जितिन प्रसाद जैसे ब्राह्मण नेताओं को नेतृत्व से पीछे ढकेल दिए जाने से ब्राह्मणों में इसका संदेश क्या जाएगा और ब्राह्मणों की हितैषी माने जाने वाली इस पार्टी से ब्राह्मण कितना जुड़ पाएंगे, इसकी चर्चा भी चल पड़ी है। यूपी कांग्रेस की कमान चाहे किसी के भी पास हो, लेकिन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कब क्या दांव बिठा दे, ये देखना अभी और दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी चुनाव काफी दूर हैं और समीकरण भी बदलते रहेंगे। देखते रहिए डीबी लाइव।